चलिए बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? वैसे तो इसको आप लोग अपने आसपास सुनते रहते होगे, ठीक है, कि अगर कोई आपको एक थप्पड़ दे तो आपको भी वापस देना चाहिए, या आप सुनते हो। ये इसी तरह से है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये कहता है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब जहाँ भी एक्शन होगा वहाँ पे रिएक्शन ज़रूर होता है। ठीक है, जैसे आप कहीं दीवार पे अपने सर को मारते हो तो सर में भी चोट लगता है, यानी कि किसी चीज़ को पुश करते हो तो वापस वो भी आप पे उतना ही फोर्स लगाता है जितना फोर्स आप अप्लाई किए हो। ठीक है, किसी भी बॉडी पे हम जितना फोर्स अप्लाई करते हैं वापस वो भी हमें कितना फोर्स अप्लाई करता है, उतना ही फोर्स अप्लाई करता है इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, यही है हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो देख लेते हैं इसको। तो लिखेंगे एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, अपोजिट रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो इसमें है क्या कि अगर आप दो बॉडी आपस में इंटरैक्ट है और अगर एक पे फोर्स लगा रहे हैं तो उतना ही और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा दूसरे बॉडी पे। ठीक है, लिख लेंगे इसको। इफ टू बॉडीज आर इंट्रैक्ट इच अदर देन फोर्स अप्लाइड बाई वन बॉडी इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड बाई अनदर बॉडी, फोर्स अप्लाइड बाई अनदर बॉडी बट इन अपोजिट डायरेक्शन, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या हो जाएगा? वो अपोजिट हो जाएगा। ये बातें आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, जैसे मान लो कि हमारे पास एक टेबल है। ठीक है, ये एक टेबल है, जस्ट इसको आप मान लो कि ये एक टेबल है। ठीक है, और इस टेबल पे हम एक बड़ा सा कोई ब्लॉक ला करके रख देते हैं। ब्लॉक मतलब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे ला करके ऐसे रख देते हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट ला करके यहाँ पे कोई रख दिए तो ऑब्जेक्ट के वेट के कारण एक नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। मतलब ये टेबल पे कुछ नीचे की तरफ ऐसे फोर्स लगाएगा, और इसके बदले में टेबल इस पे ऊपर की तरफ इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएगा। मैग्नीट्यूड इक्वल है तो इसलिए इक्वल दिखाएंगे, तो ये इक्वल फोर्स का ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो फोर्स अप्लाई हुआ है दोनों बॉडी में वो इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। जैसे मान लो कि अगर हम लोग एक किसी कार पे ऐसे पुश करते हैं, कोई कार है इसको धक्का देते हैं, या कोई लड़का है इस कार को ऐसे धक्का देता है, तो जो इसको धक्का दे रहा है तो जितने फोर्स इसने कार पर लगाया उतना ही फोर्स इस आदमी पे कार के द्वारा लगेगा। ठीक है बच्चों, अब इसी चीज़ को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखेंगे, इसी को कहा गया है एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब यहाँ पे जो ये आपस में ये दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं, इन दोनों बॉडी को हम लोग बोलते हैं एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। तो चलिए देखते हैं, इसको डिटेल में समझते हैं कि आखिर एक्शन एंड रिएक्शन पेयर होता कैसे है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो एक्शन एंड रिएक्शन पेयर को समझने के लिए हम वही एग्जांपल ले लेते हैं कार का। तो मान लीजिए कि इस कार पे कोई बच्चा फोर्स लगा रहा है, यहाँ से कोई फोर्स लगा रहा है कोई आदमी, ठीक है, इसको धक्का दे रहा है। सर टेढ़ा हो गया। चलिए, तो इसको धक्का दे रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये मैन जो है इस कार पे फोर्स लगा रहा है। तो कह सकते हैं कि फोर्स अप्लाइड बाय मैन ऑन कार, उसको ऐसे लिखेंगे, कार पे फोर्स लगाया कि एफ फोर्स ऑन कार, फोर्स ऑन कार ड्यू टू मैन। और कार भी रिएक्शन करेगा, तो रिएक्शन में ये किस पे फोर्स लगाएगा? मैन पे। तो फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन मैन ड्यू टू कार। अब ये दोनों इक्वल है बट इनका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग बच्चों? फोर्स ऑन कार ड्यू टू मैन इज इक्वल टू फोर्स ऑन मैन ड्यू टू कार।
और यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे। माइनस का साइन ये बताता है कि डायरेक्शन अपोजिट है। अगर इसको हम प्लस लेते हैं वेक्टर क्वांटिटी में तो इसके अपोजिट वाले को माइनस लेना पड़ता है। तो ये हो गया माइनस। अब ये दोनों एक्शन एंड रिएक्शन पेयर में काम करते हैं, ठीक है। तो एक्शन एंड रिएक्शन पेयर क्या होगा, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, रिएक्शन पेयर क्या होगा, जो भी दो बॉडी आपस में इंटरेक्ट कर रहे होंगे वो एक दूसरे के एक्शन और रिएक्शन पेयर है। हम कह सकते हैं कि ये इस पे धक्का दे रहा है तो ये एक्शन कर रहा है, कौन, मैन के द्वारा एक्शन हो रहा है, और रिएक्शन किसके द्वारा हो रहा है, कार के द्वारा। तो ये दोनों एक एक्शन एंड रिएक्शन पेयर हो गए। तो कहेंगे हियर एक्शन कौन कर रहा है, एक्शन कर रहा है मैन, और रिएक्शन कौन कर रहा है, रिएक्शन का काम कौन कर रहा है, कार कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इसको कैसे रिप्रेजेंट किए, फोर्स ड्यू टू कार, इसको कैसे पढ़ेंगे बच्चों, फोर्स ऑन कार, फोर्स ऑन कार ड्यू टू मैन, ड्यू टू मैन मतलब मैन के द्वारा कार पे फोर्स, इसको कैसे पढ़ेंगे, फोर्स ऑन, फोर्स ऑन मैन ड्यू टू कार, ठीक है। ये क्या है, ये एक्शन है जो लगाया गया है और ये रिएक्शन है। तो एक्शन और रिएक्शन जो है वो एक पेयर में वर्क करता है, ये हमेशा एक पेयर में रहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक जगह एक्शन होगा वहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा, ये हर जगह होगा। मतलब जहाँ भी एक्शन होगा देयर विल बी मस्ट बी रिएक्शन। तो रिएक्शन और एक्शन का पेयर एक साथ वर्क करते हैं, ठीक है, फिजिक्स में। इसीलिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जनरेट हो जाता है बच्चों कि आखिर जब इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो मान लीजिए कि कार क्यों चलेगा या क्यों नहीं चलेगा। ये दोनों चीज़ है कि मान लीजिए इस पे ये आदमी ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, छोटा कार है और बहुत हाई फोर्स लगाने वाला आदमी है, या चार पांच आदमी आ गए, चलिए चार पांच आदमी आ करके इस कार पे फोर्स लगाने लगे, दो तीन आदमी इधर आ गए, दो तीन आदमी तो इस पे फोर्स लगा रहे हैं, तब तो ये कार को मूव करना चाहिए। फिर भी कार जो है मूव करने लगता है, लेकिन बताइए कि अगर इक्वल फोर्स है तो फिर कार क्यों मूव कर रहा है, ठीक है। वाई कार moves if equal forces are applied। यहाँ पे applied equal force कौन कौन है, action और reaction के जो forces हैं वो equal हैं, फिर भी car क्यों move कर रहा है बच्चों, ये समझना है। जैसे आप किसी कार को धक्का दे रहे हो तो जितना फोर्स आपने कार पे लगाया उतना फोर्स कार आप पे लगा दिया, तो आपको यहाँ पे समझना है कि आखिर ये कार जो है मूव क्यों करेगा, जब इक्वल हो गया तो मूव क्यों करेगा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो बच्चों सुनिए ध्यान से, हम लोग पढ़े थे बैलेंस फोर्स के बारे में, सबसे फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे, सबसे फर्स्ट लेक्चर में हम लोग बैलेंस फोर्स के बारे में पढ़े थे। उसमें आपको बताए थे जब कोई बॉडी है इस पर अगर इक्वल और अपोजिट फोर्स लगे, इस पर इक्वल और अपोजिट फोर्स लगे तब इस बॉडी को क्या बोलेंगे, इस बॉडी को बोलेंगे कि ये बैलेंस्ड है। मतलब ये बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ये नहीं मूव करेगा कहीं भी। तो बैलेंस फोर्स ही इक्विलिब्रियम का कंडीशन जनरेट करता है। तो ये बॉडी ना इधर मूव करेगा ना ही इधर मूव करेगा, क्योंकि दोनों ही फोर्स इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ पे एक बात आपको बताए थे बच्चों कि ये एक ही बॉडी पे दोनों फोर्स लग रहे होते हैं, किस पे लग रहे होते हैं, एक ही बॉडी पे। लेकिन यहाँ पे बताइए आपने फोर्स लगा दिया कार पे, जैसे कि आपने या कोई बच्चा फोर्स लगा दिया कार पे, मान लीजिए 10 न्यूटन, और कार उस बच्चे पे फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में, तो बताइए कि कार जो है क्या खुद पे 10 न्यूटन फोर्स लगाया। कार को बैलेंस होने के लिए क्या करना होता, कार को खुद पे 10 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ता, बट ये फोर्स किस पे लगा रहा है, इस बच्चे पे 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो क्या कार पे कोई बैलेंस फोर्स काम कर रहा है, नहीं। तो जहाँ भी बैलेंस फोर्स काम नहीं करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, बॉडी मूव करेगा, बॉडी के अंदर मोशन रहेगा, तो इसी कारण से कार आगे मूव करेगा। अरे भाई मान लो कि हमारे पास ये ब्लॉक था, इस पर फोर्स लगा दिए, इस पर फोर्स लगा दिए ये वाला, और एक दूसरे ब्लॉक पे हम फोर्स लगाते अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर पाते, नहीं। तो यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन जो हो रहा है वो अलग अलग बॉडी पे हो रहा है, लेकिन अगर बैलेंस होने के लिए, बैलेंस फोर्स होने के लिए एक ही बॉडी पे फोर्स होना चाहिए। जैसे ये बॉडी है इस पे इधर से फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन धक्का दे रहे हैं, तो ये बॉडी खुद पे धक्का तो नहीं देगा, खुद पे फोर्स नहीं लगा रहा है, ये तो फोर्स लगा रहा है इस आदमी पे, और ये आदमी पे जो फोर्स लग रहा है तो इसके कारण आदमी को पीछे जाना चाहिए। यह क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर आदमी फिर पीछे क्यों नहीं जाता है, कार ही क्यों पीछे जाता है। तो देखिए ध्यान से बच्चों,
आदमी क्या करता है यहाँ पे अपने पैर के पास एक बहुत हाई फ्रिक्शन जनरेट कराता है, ठीक है, इसके पास हाई फ्रिक्शन जनरेट होता है। याद रखिए कि अगर उस आदमी को भी पैरों में पहिया लगा दिया जाए, जैसे ये था, वो स्केलेटिंग वाले होते हैं ना, स्केलेटिंग करते हुए जो पहिया होते हैं, वो पहिया इनके पैर में, इनके जूतों में लगा दिया जाए और फिर इसको मूव कराओ, तो देखो अगर कार थोड़ा आगे मूव करेगा तो ये भी पीछे मूव कर जाएगा धक्का देते समय, उतना ही फोर्स इसको एक्सपीरियंस होगा। तो चूंकि इसके यहाँ पे क्या है कि एक ऐसा सरफेस है, रफ सरफेस है बिल्कुल, यहाँ पे इंट्रैक्शन हुआ है तो फ्रिक्शन ज़्यादा है, और यहाँ देखिए रोलिंग फ्रिक्शन है बहुत कम। रोलिंग फ्रिक्शन क्या करता है, बहुत कम फ्रिक्शन जनरेट करता है, बहुत कम अपोजिशन जनरेट करता है। तो यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट ही कॉन्टेक्ट में है, लेकिन इसके पास पूरा पैर कॉन्टेक्ट में है, समझ में आ रहा है। तो इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ पे फ्रिक्शन कम था, इसीलिए ये आगे मूव कर पाया, लेकिन इसके पैर में जो फ्रिक्शन जनरेट हुआ, इसके पैर में जो फ्रिक्शन जनरेट हुआ वो क्या था, वो ज़्यादा फ्रिक्शन था, इसीलिए पीछे नहीं जा पाया। अब ये पीछे नहीं जाएगा तो इसको आगे ले जाएगा, तो यही रीज़न था। यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन पेयर अलग अलग है, एक्शन और रिएक्शन पेयर पे अलग अलग फोर्स जो है लग रहा है। अगर इसी पे 10 न्यूटन फोर्स लग जाता तो कार बैलेंस हो जाता, तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि कार मूव करेगा। समझ में आया, तो इसका यही आंसर लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे कार मूव्स बिकॉज इक्वल फोर्स अप्लाइड ऑन कार एंड मैन, दिज कैन नॉट बैलेंस ईच अदर बिकॉज इसमें क्या हो रहा है, जो फोर्स लग रहा है कार पे, उसको बैलेंस होने के लिए फोर्स कार पे खुद लगना चाहिए। बिकॉज टू फोर्सेज अप्लाइड ऑन डिफरेंट बॉडीज पे अप्लाई हो रहा है, मतलब एक कार पे अप्लाई हो रहा है और एक मैन पे अप्लाई हो रहा है, दोनों एक ही पे अगर अप्लाई हो जाता तब वो क्या होता कि कार जो है वो आगे नहीं मूव करता, बैलेंस हो जाता। तो बैलेंस फोर्स के लिए हम लोग जानते हैं कि क्या होना चाहिए, इक्वल और अपोजिट होना चाहिए, तो यहाँ पे इक्वल और अपोजिट नहीं हो रहा है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वल अपोजिट कैसे, मतलब एक ही बॉडी पे नहीं वर्क कर रहा है, तो फोर्स जो है अलग अलग डिफरेंट बॉडी पे वर्क कर रहा है, इसीलिए ये बैलेंस नहीं हो पाएगा और ये कार क्या होगा, मूव करेगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि आखिर इसका क्या क्या अप्लीकेशन है हमारे जनरल लाइफ में, न्यूटन्स थर्ड लॉ का क्या कहीं कोई ज़रूरत है या फिर हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा न्यूटन्स थर्ड लॉ का ज़रूरत होता है, ठीक है। मोशन में हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ का हम लोग बहुत ज़्यादा अप्लीकेशन देखते हैं। अप्लीकेशन देख लीजिए, सबसे पहला एप्लीकेशन तो है कि जब भी आप चलते हो तो वहाँ पे ये न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई होता है। आप पैर से पीछे की तरफ धक्का देते हो, जैसे पैर से चल रहे हो तो पीछे की तरफ धक्का देते हो, और इसी कारण से वहाँ पे रिएक्शन आगे होता है और आप आगे मूव कर पाते हो। जैसे आप आगे चलोगे तो ज़मीन को पीछे की तरफ धक्का देते हो, और जब पीछे की तरफ धक्का दे रहे हो तो रिएक्शन, ये एक्शन किधर हो रहा है, पीछे की तरफ, जैसे कोई आदमी यहाँ पे चल रहा है, ठीक है बच्चों, मान लीजिए चल रहा है तो ये पैर से पीछे की तरफ धक्का देता है, तो रिएक्शन किधर होता है, आगे की तरफ, तो इसीलिए कोई भी आदमी मूव कर पाता है, तो हम चल पाते हैं। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ का एक एग्जांपल ही है, तो लिख सकते हैं वी मूव ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब इसमें क्या होता है, एक्शन हम लोग करते हैं बैकवर्ड में, एक्शन होता है हमारा पीछे की तरफ बैकवर्ड, और इसके रिएक्शन होता है आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में, रिएक्शन होता है तो हम लोग मूव कर पाते हैं। दूसरा कंडीशन देखिए बच्चों, आपके पास कोई बैलून है, बैलून में को एयर भर दीजिए, और एयर भरने के बाद उस बैलून को ऐसे उल्टा करके इस तरह से छोड़ दीजिए, यहाँ से इसको एयर भर के रखे हैं, इसको पकड़ के रखे हैं, इसके बाद इसको खोल के ऐसे ही छोड़ दीजिए, आप देखोगे कि बैलून ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे करके छोड़ोगे तो आगे की तरफ जाएगा, मतलब बैलून आप जिधर छोड़ोगे तो एयर जिधर निकल रहा होगा, जिधर से एयर बाहर आ रहा होगा, जैसे इस डायरेक्शन में एयर आ रहा है
तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में बैलून जाएगा, बैलून का मोशन ऊपर की तरफ हो जाएगा। अब ये बता रहा है बैलून का जो मोशन होगा वो ऊपर की तरफ होगा, तो देखिए यहाँ पे एक्शन किधर हुआ है बच्चों, एक्शन किधर हुआ है नीचे की तरफ, और रिएक्शन किधर हुआ है ऊपर की तरफ। तो इस एक्शन और रिएक्शन के पेयर के कारण ही बैलून आपको ऊपर की तरफ मूव करता है। और बैलून एक छोटा रॉकेट का एग्जांपल है, रॉकेट भी इसी एग्जांपल पे चलता है। रॉकेट का क्या होता है कि फ्यूल हाई स्पीड से पीछे की तरफ निकलता है उसका फ्यूल, और जितना ज़्यादा फ्यूल नीचे पीछे की तरफ निकलता है जिस वेलोसिटी से, उतना ही वेलोसिटी आगे की तरफ लगता है और वो मूव करता है। तो इसी एक्शन और रिएक्शन जैसे उतना ही झटका लगेगा, जैसे ये हाई प्रेशर के साथ बैलून से बाहर निकल रहा था हवा, तो बैलून ऊपर की तरफ जा रहा था, तो बैलून ऊपर की तरफ जा रहा था, इसको एक झटका लग रहा था ऊपर की तरफ, उसी तरह से जो हमारा रॉकेट है उसमें भी लगता है एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स, और उसी फोर्स के कारण वो रॉकेट उड़ता है। तो रॉकेट भी इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। वर्क्स ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बहुत सारा मैकेनिज्म है बच्चों हमारे पास जो कि इसमें होता है। जैसे तीसरा हम लोग अगर ले सकते हैं, बैलून का भी ले सकते हो एग्जांपल, यहाँ पे बैलून लेकर के आपको समझाएं। तीसरा ले सकते हो कि आप देखे होंगे जब कभी भी गन से फायर होता है, जैसे गन से फायर होता है, ये गन है, चलो बच्चों समझ लेना। तो गन से जब कभी भी फायर होता है बच्चों, तो होता क्या है कि जो बुलेट है वो बुलेट आगे की तरफ जाता है, बुलेट का डायरेक्शन, बुलेट आगे की तरफ निकलता है, और एक पीछे की तरफ फोर्स लगता है गन पे, उतना ही फोर्स पीछे की तरफ गन पे भी लगता है जितना फोर्स आगे की तरफ लगा है। अब सुनिए ध्यान से कि क्यों बैलेंस हो गया, इसको हम लोग इसी लेक्चर में पढ़ेंगे कि आखिर बुलेट उतनी स्पीड से क्यों गई और हमारा गन थोड़ा सा स्पीड से आया। इसके पीछे रीजन है, कोई ना कोई बैलेंस किया होगा, मतलब मान लीजिए कि इसका कुछ मोमेंटम होगा, बुलेट जो जा रहा था इसका मोमेंटम एम भी था, भी वन मान लीजिए, बुलेट का मास कैपिटल से लिखे हैं, स्मॉल से लिख लीजिए चलिए, और इसका मान लीजिए मास था कैपिटल एम क्या गन का, और इसका वेलोसिटी भी टू, तो इसका वेलोसिटी कम था। तो क्यों कम था, दोनों तो इक्वल है, मोमेंटम तो दोनों का इक्वल रहेगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अभी हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। इसमें मोमेंटम जो होता है पूरे सिस्टम का कंजर्व रहता है, हमेशा सेम रहता है। जैसे बुलेट और गन दोनों एक समय में, दोनों रेस्ट में थे, तो दोनों का मोमेंटम जीरो था, रेस्ट में होगा तो एम इंटू भी जीरो हो गया, तो मोमेंटम टोटल जीरो हो जाएगा। तो रेस्ट में थे तो टोटल मोमेंटम जीरो था, तो जब मोशन में भी आएगा तो टोटल मोमेंटम इक्वल होगा, दोनों का मोमेंटम इक्वल हो जाएगा। तो इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम इक्वल होगा, तो वेलोसिटी इसका हाई है, इसका मतलब इसका मास बहुत कम होगा, और इसका वेलोसिटी कम है तो इसका मास ज़्यादा है। तो इसीलिए आप देखोगे कि जो भी आपका ये गन वगैरह होता है उसका कुछ वेट होता है, कुछ मास होता है, भारी होता है। इसके पीछे रीजन है कि उसके मोमेंटम को बैलेंस करना। दूसरा भी रीज़न देखो, जो बड़ी वाली बंदूकें होती हैं उसको जब ट्रेनिंग दिया जाता है तो बोला जाता है कंधे में उसको फंसा करके फायर करना होता है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि जैसे ही हम फायर करेंगे तो एक बैकवर्ड फोर्स आएगा, उस बैकवर्ड फोर्स को, बैकवर्ड वेलोसिटी को हम लोग रिकॉइल वेलोसिटी बोलते हैं, जो कि पढ़ेंगे, प्रूफ करेंगे वो। तो एक बैकवर्ड फोर्स लगता है, वो फोर्स अगर आप कंधे पे रख के लगाओगे तो पीछे की तरफ चला जाएगा, और यहाँ पे अगर उसको फंसा करके उसको दबा करके रखोगे तो उससे क्या होगा, ये पीछे की तरफ नहीं जा पाएगा, आप उसको बैलेंस कर लोगे। उसी तरह से छोटे वाले गन को आप मूवी वगैरह में देखते हो, बस ऐसे चला दिया बंदूक, ऐसे चला दिया आदमी मर गया, ऐसा रियल में नहीं होता है। ऐसा रियल में कहीं चला दिया तो निशाना ही नहीं लगेगा, क्योंकि एक बैकवर्ड फोर्स होगा, जैसे ऐसे चला दिए बैकवर्ड फोर्स होगा और इधर उधर चला जाएगा ये छोटे वाले गन से। तो इसीलिए ट्रेनिंग दिया जाता है कि ये हाथ को ऐसे यहाँ पे सपोर्ट के लिए लगा देना है, और सपोर्ट के लिए लगा के तब फायर करना है। तब फायर करेंगे तो ये हाथ इसको बैलेंस कर रहा है, इसको सपोर्ट कर रहा है, तब उसके बैकवर्ड फोर्स को वो बैलेंस कर पाएगा। तो ये सब रीज़न भी है आपको न्यूटन थर्ड लॉ का। तो लिखेंगे मोशन ऑफ या रिक्वायर वेलोसिटी लिख देते हैं, थोड़े देर के बाद बताएंगे क्या होता है रिक्वायर वेलोसिटी ऑफ गन, ऑफ गन, ठीक है। गन का जो रिक्वायर वेलोसिटी, मतलब पीछे की तरफ जो गन का वेलोसिटी है उसी को हम लोग रिक्वायर वेलोसिटी बोलते हैं। अब हम लोगों का है फोर्थ कंडीशन। आप लोगों देखे होंगे कि कभी अगर कोई आदमी नाव
से जा रहा है, मान लीजिए बोट से जा रहा है, और ये बोट पे बैठा हुआ आदमी जैसे किनारा आया तो इस किनारे पे छलांग लगाता है, ये छलांग लगा के यहाँ आता है। तो छलांग लगाने के लिए ये क्या किया, एक जैसे छलांग आगे की तरफ लगाएगा तो ये एक्शन पीछे की तरफ यहाँ करता है, ये जो एक्शन किया वो इधर की तरफ किया, और इसका रिएक्शन हुआ कि ये आगे की तरफ जंप करके इस पे चला गया। ठीक है बच्चों, तो आप देखोगे कि जब यहाँ पे जंप करके जाएगा, जब पीछे देखेगा तो देखेगा कि बोर्ड जो है पीछे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि उसने एक्शन पीछे की तरफ किया था और रिएक्शन किधर हुआ, आगे की तरफ। तो बोट में भी ये चीज़ें होता है कि जब हम लोग कभी बोट से जंप करते हैं तो एक्शन होता है पीछे की तरफ और रिएक्शन हो जाता है आगे की तरफ, उसके रिएक्शन के कारण हम आगे जा पाते हैं, क्योंकि बोट पर हम फोर्स पीछे की तरफ लगाए होते हैं। आप देखोगे इसको अगर बांध के नहीं रखे हैं, बोट बांधा हुआ नहीं है, तो आप जब इस पर जंप करके चले जाओगे तो देखोगे कि बोट जो है इस डायरेक्शन में आना शुरू हो गया। ठीक है, तो आप जो इस डायरेक्शन में मूव किए थे तो बोट किधर मूव किया, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये भी बताता है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। चलिए, तो ये कुछ एप्लीकेशन थे। अब एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन इसका है जिसको हम लोग प्रूफ के साथ पढ़ेंगे, और वो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे, मोमेंटम कंजर्व कैसे रहता है। मोमेंटम एक कंजर्व क्वांटिटी है बच्चों, जैसे मास एक कंजर्व क्वांटिटी है। आप पढ़े थे क्लास नाइन्थ के फिजिक्स में, पढ़े थे नाइन्थ के केमिस्ट्री में पढ़े थे कि मास को न क्रिएट कर सकते हैं न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, बस एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में चेंज हो सकता है मास और एनर्जी। उसी तरह से मोमेंटम भी किसी बॉडी का जो टोटल मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है, ये डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है, ये न ख़त्म हो सकता है और न ही इसको जनरेट कर सकते हैं। मतलब टोटल मोमेंटम जो सिस्टम का रहेगा वो ऑलवेज कंजर्व रहेगा। तो याद रखिएगा मोमेंटम भी क्या है, एक कंजर्व क्वांटिटी है, और वो कैसे कंजर्व क्वांटिटी है अभी उसको प्रूफ करेंगे हम लोग। तो हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम चूंकि एक कंजर्व क्वांटिटी है तो देखेंगे कि क्या होता है, लिखेंगे इसको, टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ठीक है, किसी भी सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम होगा वो हमेशा कंजर्व रहता है, और वो उसको ना क्रिएट कर सकते हैं हम, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एक एग्जांपल से इस चीज़ को समझते हैं और इस कंजर्वेशन को समझते हैं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए हम लोग दो बॉल ले रहे हैं, ठीक है, एक का मास m1 ले रहे हैं, ठीक है बच्चों, और दूसरे का मास m2 ले रहे हैं। दोनों को हम एक ग्राउंड पे ऐसे जाने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, ताकि ये आगे जाए और कहीं स्ट्राइक करेगा, कहीं टकराएगा। ठीक है, तो चलिए इसको दोनों को छोड़ दिए। स्टार्टिंग में इसका वेलोसिटी हम लोग मान लेते हैं कि इसका वेलोसिटी u1 है और इसका वेलोसिटी u2 है। ये सब हमारा जो है यहाँ पे हम लोग इसको मान के चल रहे हैं। आ करके ये कुछ समय के बाद कुछ t टाइम में दोनों यहाँ पे आ करके एक साथ टकरा गया। अब टकराने के लिए बच्चों कंडीशन क्या होना चाहिए कि u2 का वेलोसिटी कम होना चाहिए u1 से, मतलब u1 का वेलोसिटी ज़्यादा होना चाहिए u2 से। अरे बच्चों ये जब स्पीड जाएगा तभी तो इससे टकराएगा। स्पीड जाएगा, इसका स्पीड बढ़ते गया जाके टकरा जाएगा। अब टकराएगा तो टकराने वाला जो टाइम होगा क्या वो दोनों का टाइम सेम नहीं होगा, दोनों का सेम होगा टाइम बच्चों एम वन M2। जब टकरा जाएगा तो यहाँ जो टाइम लगेगा तो दोनों ही कंडीशन में जो टाइम लगा रहेगा वो सेम टाइम लगेगा। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जो जाने में जो टाइम लग रहा है वो T टाइम में ये आ करके दोनों टकरा गए। ठीक है बच्चों, तो T टाइम में आ करके ये टकरा जाते हैं। यहाँ पे टकराने का कंडीशन यहाँ लिख देते हैं U1 ग्रेटर देन U2, U1 जो है U2 से बड़ा है तब ये जा करके इससे टकरा रहा है। अब टकराने का मतलब क्या हुआ बच्चों, दो कोलाइड करते हैं तो एक दूसरे में फोर्स लगाते हैं। तो ये M1 जितना इस पर फोर्स लगाएगा M2 भी उतना ही फोर्स लगा देगा। तो मान लीजिए ये हम लोग फर्स्ट लिख रहे हैं फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन F21 लिखे हैं, यह समझ में आ रहा होगा आपको।
मतलब सेकेंड बॉडी पे फोर्स फर्स्ट बॉडी के द्वारा अभी पड़े हैं। अब यहाँ पे इसके अपोजिट में फोर्स लग जाएगा एफ फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, ऐसे लिख देंगे एफ वन टू। ठीक है बच्चों, अब ये अपोजिट डायरेक्शन में लगा है तो इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं कि जो एफ टू वन था वो माइनस ऑफ एफ वन टू के बराबर था। माइनस क्यों लिखे हैं, अपोजिट डायरेक्शन को। वेक्टर क्वांटिटी में माइनस क्या दिखाता है, अपोजिट डायरेक्शन को दिखाता है। अब यहाँ पे देख लो बच्चों, जो फोर्स लगेगा मान लीजिए थोड़ा देर के बाद इसका वेलोसिटी चेंज हो गया, जो m1 था इसका वेलोसिटी आफ्टर फोर्स v1 चेंज हो गया। हम लोग जानते हैं मोमेंटम चेंज करने के लिए आपको क्या चाहिए, फोर्स अप्लाई करना होगा, और m2 का वेलोसिटी v2 हो गया ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है, थोड़े देर के बाद जैसे टकराया उसके बाद इसका वेलोसिटी v1 चेंज हो गया और इसका वेलोसिटी हो गया v2 चेंज हो करके। तो आप बताइए कि फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है कि नहीं। तो मास किसका, m1 का, और एक्सेलरेशन भी जो है फर्स्ट बॉडी का, और यहाँ पे माइनस मास ऑफ सेकेंड बॉडी और एक्सेलरेशन ऑफ सेकेंड बॉडी। अब आप जानते हो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी को ही तो एक्सेलरेशन बोलते हैं बच्चों। वेलोसिटी कितना चेंज होता है बताइए, इनिशियल वेलोसिटी u1, इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया v1 हो गया। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v1 माइनस u1 बाई t। एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, v1 माइनस v माइनस u बाई t होता है बच्चों, और ये फर्स्ट बॉडी है तो 1 1 लगा देंगे। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे m1 और इसको लिखेंगे v1 माइनस u1 बाई टाइम t, और इसका क्या हो जाएगा माइनस m2, और ये हो जाएगा v2 माइनस u2 बाई t। टी टाइम में दोनों का चेंज हुआ है, ये टाइम तो टी ही लगा ना जा करके स्ट्राइक होने में, टाइम तो एक ही टाइम पे पहुंचा एक साथ तभी तो स्ट्राइक हुआ था। तो चलिए, तो टाइम सेम था तो टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जस्ट, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा m1 v1 माइनस m1 u1 इक्वल टू माइनस ऑफ m2 v2, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ से हो जाएगा m2 u2। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं, v वाला टर्म मतलब फाइनल वेलोसिटी वाला टर्म एक तरफ रख लेते हैं और इनिशियल वेलोसिटी का टर्म एक तरफ रख लेते हैं। तो चलिए, इनिशियल वेलोसिटी का टर्म, ये जो टर्म है माइनस को इधर लेके जाइए और इसको इधर लेके आइए, तो क्या हो जाएगा m1 v1 प्लस हो जाएगा m2 v2 इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक है बच्चों, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। यही है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मतलब क्या है इसका समझिए, m1 u1 मतलब इसका मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम p1, और m2 u2 p2 इसका इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, अब देखिए ये इनिशियल मोमेंटम है, मोमेंटम इनिशियल है ये स्टार्टिंग का, और बाद में देखिए इसका मोमेंटम हो गया m1 v1, तो ये p1 का फाइनल मोमेंटम हो गया, ये फाइनल लिख रहे हैं। ठीक है, और प्लस p2 ये फाइनल मोमेंटम हो गया। इसका मतलब कह सकते हैं मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले जो टोटल मोमेंटम था इस सिस्टम का, टकराने के बाद भी वही रहा है। ठीक है, तो लिख सकते हैं मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको आपको याद रखना है बच्चों, कि कोलिजन जो होगा, जो कोलिजन होगा उसके बाद का मोमेंटम और उससे पहले का मोमेंटम इक्वल होगा। हम लोग कैसे इसको प्रूफ किए, इसको आप एक बार फिर से देखिए। दो बॉडी था, m1 m2 मास था, इसका इनिशियल वेलोसिटी u1, इसका इनिशियल वेलोसिटी u2। हम ऐसा माने थे कि कुछ t टाइम पे टकराया और टकराने के बाद इसका वेलोसिटी हो जाता है v1 और इसका वेलोसिटी हो जाता है v2। तो आफ्टर कोलिजन ये सिस्टम होता है। तो हम लोग जानते हैं जो फोर्स लगा होगा इस पे, तो इसका फोर्स कैसे लिखेंगे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इसको लिखेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। दोनों इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे माइनस लिख दिए। आप F12 यहाँ लिख सकते हो, F21, और किसी को भी माइनस कर सकते हो, मतलब माइनस इधर भी लाके कह सकते हैं, ये हमारे कन्वेंशन पे है, हम जैसा मान सकते हैं। फोर्स क्या होता है बच्चों, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास ऑफ फर्स्ट बॉडी। अच्छा, यहाँ पे बोलोगे कि सर 2 लिखे हैं और यहाँ 1 लिख रहे हैं, ऐसा क्यों ना इंसाफी कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों,
यहाँ पे फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, मतलब किसका फोर्स लिख रहा है, ड्यू टू मतलब फर्स्ट, पहला फोर्स लगा रहा है ना, फर्स्ट बॉडी फोर्स लगा रहा है इस पे, तो फर्स्ट बॉडी का ही तो फोर्स का इफेक्ट लिखेंगे, तो एम वन इसलिए ए वन लिखे हैं एसेलरेशन वन, और एम वन और एसेलरेशन का वी वन माइनस यू वन बाई टी, और एम टू वी टू माइनस यू टू बाई टी, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे एक साइड करेंगे आ जाएगा, तो यही है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि रिक्वायर्ड वेलोसिटी क्या होता है, इसी को यूज करके हम लोग रिक्वायर्ड वेलोसिटी समझते हैं। रिक्वायर्ड वेलोसिटी, ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों गन जो होता है हमारे पास उसके जो बैक में फोर्स लगता है उसको हम लोग रिक्वायर्ड वेलोसिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक ये गन बना देते हैं आपको, देखिए अब इसके अंदर कोई बुलेट है, ये मान लीजिए ये बुलेट है, अब ये बुलेट जैसे ही हम फायर करेंगे तो एक यहाँ पे बच्चों हैमर होता है, वो हैमर आ करके इससे स्ट्राइक होता है, और इस पर स्ट्राइक होकर के क्या होगा, इसके अंदर बारूद भरे हुए हैं, ठीक है, और वो एक्सप्लोजन होता है। अब ध्यान से सुनिए, ये बुलेट एक छोटे से रॉकेट की तरह है। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि थर्ड लॉ कैसे काम किया, बुलेट निकला है इसलिए जो है गन पीछे गया है, बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा बताया जाता है कि बुलेट निकला है तो गन गया है, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे गलत क्या है ये समझिए, जो एक्सप्लोजन होता है ना बच्चों, यहाँ पे गन के अंदर जो एक्सप्लोजन हुआ, अगर ऐसा होता तो सोच लीजिए कि एक हैमर के पास इतनी कहाँ से फोर्स आ गया कि एक गन को बहुत दूर तक, गन का बुलेट को बहुत दूर तक 200 मीटर तक भेज देंगे, 300 मीटर तक भेज दे, 500 मीटर तक भेज दे, ऐसा एक हैमर के पास इतनी ताकत कैसे आ गई, समझ में आ रहा है। अगर ऐसा ताकत आ गया तो उसी के शेप का एक आयरन उसके अंदर डाल करके आपको फायर करके देखिए, सेम शेप का आयरन अगर उस गन के अंदर फायर करके देखिए, 100% उतनी डिस्टेंस नहीं ट्रेवल करेगा जितना डिस्टेंस ये गन का जो बुलेट ट्रेवल कर रहा है, समझ में आ रहा है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, इस बुलेट के अंदर का भरा हुआ मटेरियल, कि जैसे ही इस जो इसके अंदर जो बारूद भरा है उसके कारण जैसे ही इसमें इस पे हैमर स्ट्राइक करता है तो वो यहाँ पे क्या करता है, इसको तोड़ देता है। तोड़ते ही यहाँ पे क्या होता है कि एक एक्सप्लोजन होता है, मतलब एक चिंगारी निकलता है और ये ब्लास्ट होता है, और ब्लास्ट होकर के ये बाहर की तरफ काफ़ी हाई स्पीड से फ्यूल बाहर निकलने लगता है। अब यहाँ से बाहर निकलेगा बच्चों तो बाहर, यहाँ तो मूव कराने के लिए कुछ है ही नहीं, ये सब रोक लेगा। अब रोकेगा तो उतना ही वेलोसिटी से आगे निकलेगा, और ये पीछे की तरफ जो आया उसी के कारण गन पीछे की तरफ आना जाएगा, और इसी वेलोसिटी को हम लोग रिक्वायर्ड वेलोसिटी कह देते हैं, समझ में आया। जिस वेलोसिटी से जो बुलेट है वो बाहर निकला तो उस वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए, क्यों निकला था बाहर, क्योंकि यहाँ से जो आ रहा है बाहर की तरफ आ रहा है इधर। अब यहाँ पे कह सकते तो एक सिंगल सिस्टम है, यही न्यूटन्स थर्ड लॉ पे काम कर रहा है, जो बुलेट है, बुलेट विदाउट न्यूटन्स थर्ड लॉ ये जा ही नहीं सकता उतना दूर, समझ में आ रहा है। जैसे आप पत्थर फेंकते हो या उस गन के अंदर पत्थर भी डाल के अगर चलाओगे तो उतना दूर नहीं जाएगा, जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर भरा हुआ जो बारूद है उसके कारण जा रहा है। तो ये बारूद के कारण ये आगे की तरफ एक इसको फोर्स मिला और ये आगे की तरफ जाना शुरू हो जाता है और जाते चलता है और ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और ये बारूद चूँकि आकर के इससे टकराया है तो इसलिए इसको भी एक बैकवर्ड वेलोसिटी मिल जाता है, और इसी वेलोसिटी को रिक्वायर्ड वेलोसिटी बोलते हैं। इसका एक्चुअल कंसेप्ट यही है और इसी को आपको याद रखना है। तो चलिए देख लेते हैं कि जब शुरुआत में दो बॉडी था हमारे पास, मान लीजिए लेट मास ऑफ गन बी कैपिटल एम एंड मास ऑफ बुलेट बी स्मॉल एम, ठीक है, इसका मास कैपिटल एम और बुलेट का मास स्मॉल एम मान लेते हैं। स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी दोनों का क्या होगा, सेम रहेगा, तो दोनों का इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं जीरो। इनिशियल वेलोसिटी रुका हुआ है ना, अब चलाए नहीं हो, फायर नहीं किए हो, तब तक इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमने मान लिया कि जीरो है, तो हम लोग देखेंगे कि इसका मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मतलब यहाँ पे स्टार्ट होने से पहले मोमेंटम क्या था, टोटल मोमेंटम, मास ऑफ गन, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन,
मास ऑफ बुलेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, यू टू लिख देते हैं बच्चों, आप जो चाहो लिख सकते हो। अब जब बुलेट निकलेगा बाहर तो क्या होगा, मास ऑफ गन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा गन, प्लस मास ऑफ बुलेट प्लस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ये देखो बच्चों, ये जीरो है, ये दोनों का कंडीशन रुका हुआ था तो मोमेंटम तो जीरो हो जाएगा ना पहले, तो ये वैल्यू जब आप इधर लाओगे तो माइनस एम वी वन इक्वल टू हो जाएगा एम वी टू। अब यहाँ से वी वन वैल्यू जो है निकालोगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे माइनस चला जाएगा एम वी टू अपॉन कैपिटल एम। यही होता है रिक्वायर वेलोसिटी, यही होता है बच्चों रिक्वायर वेलोसिटी। रिक्वायर वेलोसिटी को हम लोग ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम दोनों का इक्वल था, फाइनल मोमेंटम के लिए विथ डायरेक्शन ये बता रहे हैं बच्चों रिक्वायर वेलोसिटी। माइनस साइन क्या बताता है, अब आपको यहाँ पे माइनस साइन से कन्फ्यूजन हो रहा होगा। देखो बहुत सारे बुकों में अगर माइनस साइन नहीं लिखा है तो समझिए कि वो डायरेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है। लेकिन यहाँ डायरेक्शन के साथ क्या होगा, माइनस साइन होगा, क्योंकि माइनस साइन ये बताता है कि बुलेट जब इधर जा रहा है तो गन का वेलोसिटी किधर होगा, पीछे की तरफ, और गन के वेलोसिटी को रिक्वायर वेलोसिटी कह रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन आया। बच्चों समझ में आ रहा है, तो यही रिक्वायर वेलोसिटी होता है। रिक्वायर वेलोसिटी को आप लिख सकते हो द वेलोसिटी, द बैक वेलोसिटी ऑफ गन बाय विच इट मूव्स बैकवर्ड इज कॉल्ड रिक्वायर वेलोसिटी। इसी को हम लोग रिक्वायर वेलोसिटी बोलते हैं, जिस वेलोसिटी के कारण क्या होता है कि गन पीछे की तरफ मूव करता है, ठीक है। अब ये सब चीज़ें था आपको रिक्वायर वेलोसिटी से रिलेटेड। अब नेक्स्ट क्लास में, यहाँ तक हमारा चैप्टर था, नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।